नमस्कार, आभार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं G24 लाइव। मैं अभिनंदन सिंह, आज पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर कचहरी। आइए जानते हैं मेरे पीछे जो लोग पड़े हैं कहां से आए हैं, कौन है, क्या की समस्या है, किस तरह की समस्या है, जाति की समस्या, धर्म की समस्या, रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या है तो किस तरह की समस्या है, शिक्षा की समस्या। आइए जानते हैं क्या हकीकत है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अतुल अलावत, मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से युवा मंडल प्रमुख। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से, सादपुर से। ये जो लोग आए हैं आपके साथ में, इतने लोग हैं इकट्ठा होकर आए हैं, क्या मामला है, किस तरह का मामला है? ये सादपुर या कब्रिस्तान का मामला है जी। कब्रिस्तान कागजों में कभी 15 बीघे था, आज वो 8 बीघे रह गया। और उस 8 बीघे में भी बिटोड़े, गोसे, गुड़ी, चेरी, मुंजी ये चल रहा जी। तो मामला ये जो आपका कब्रिस्तान का है, इनके कब्जा का मामला है? कब्जा कर रखा जी, खुलेआम कब्जा कर रखा। क्यों लोग हैं कब्जा करने वाले हैं? गांव के ये तो बंगलों के। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं हमारा कब्रिस्तान 15 का 15 बीघे कर दो, कब्जा मुक्त कर दो। योगी सरकार माइक पर रुके तारदार ये बात कहती है, बुलडोजर बाबा बुलडोजर। अब कहाँ है वो बुलडोजर बाबा? क्या यह हिंदुओं के लिए ही है वो बुलडोजर बाबा, या गरीबों के मकानों पर चलने के लिए बुलडोजर बाबा है? कब्रिस्तान नहीं है क्या हिंदुस्तान में? ये कहाँ जाएंगे मुस्लिम समाज? नहीं, बुलडोजर का मतलब ये है ना कि कानून सबके लिए बराबर, आपका कहने वाला है कानून सबके लिए बराबर बराबर होना चाहिए। अच्छा, तो इनके अनदेखी की जा रही है भाई। मुसलमानों तो पीड़ित हैं, मुसलमानों की तो कहीं सुनवाई हो तो मुझे बता दो। आप भी मीडिया वाले हो, आप बता दो कहीं मुसलमान की सुनवाई हो। 15 बीघे से 8 बीघे पे कभी साना का 8 बीघे बिटोड़े गोस्से पत रहे, मुंजी बुई जा रही, तो कहाँ जाएंगे ये गाँव के आदमी मुसलमान भाई? तो धार्मिक चीज है ये, तो वहां तो सभी को जाना है। अगर कब्रिस्तान का ये सरकार कब्जा मुक्त नहीं करवाई तो सरकार का यहाँ रहना बेकार है ये। हमें तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, हम अब हम ही ना कह रहे, अगर ये कब्रिस्तान का कब्जा मुक्त नहीं होता तो ये पाकिस्तान चले जाओ। इस तरह की जो बातें गांव में उठ रही होंगी, हम ये तो उन्माद का माहौल है शायद जी। वे लोग भी मुमडन है या कोई अन्य धर्म के? नहीं, अन्य धर्म के लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं? हाँ, हिंदू इसमें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मास्टर नीस अहमद जी, युवा जिलाबारी। ये कब्रिस्तान का मामला है जी सादपुर का। इसमें जो हम चक्कर काटते हैं यहाँ कई साल हो गए, योगी जी पर हमने फैक्स पर फैक्स रखे, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर जिस पर सुनवाई होती तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ अधिकारियों से मिला, चकबंदी वालों से मिला, मैं नहीं मिल रहे। यहाँ डीएम साहब से मिले थे परसों भी, परसों डीएम साहब ने कहा था सीओ साहब से मिल दो, उनसे मिले तो उन्होंने कहा जी मेरे तो बस का काम नहीं आया, डिप्टी से मिल दो। चकबंदी ऑफिस तो सामने ही है, यहाँ जाइए ना। तो डिप्टी साहब तो नहीं मिल रहे, तो बैठ ही नहीं रहे। अब उन्होंने तो विपक्ष पर तो पैसा खा रखा, मैं क्यों मिलेंगे यहाँ, मैं सामना नहीं रहे। अब मैंने कहा कि 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही नहीं है। डीएम साहब से क्या बात हुई आपकी? डीएम साहब ने कहा था उनसे मिलो, फिर नहीं मिलते तो फिर कुछ और आगे कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम है? असलम खान। क्या मामला है इस तरह के लोगों का? ये 100 साल पुराने हमारे गांव में कब्रिस्तान है, ये हमारे गांव में 100 साल पुराने कब्रिस्तान है, और इसमें कूड़ी बिटोड़े किसी ने एक बोर रखा, किन्हों को कब्जा कर रखा, और कब्जा करने के बाद अधिकारियों ने, एसओसी ने, डिप्टी ने, सीओ ने, इन्होंने ये 8 बीघे भी खारिज कर दिए कि कागजों में तुम्हारे कब्रिस्तान है ही नहीं। और इनके पास जाते हैं तो कभी उधर एप्लीकेशन देने, कभी उधर एप्लीकेशन देने, कभी उधर कागज देने, कहने उनको हम नहीं कर सकते, इलाहाबाद जाओ, हाईकोर्ट जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, बस ये आश्वासन दे हो जाएंगे, वहाँ से जाओ वहाँ से होंगे तुम्हारे। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024, उसको देखते हैं और आपके मुद्दे को देखते हैं, आप एक क्या चाहते हैं भैया? अगर इसी तरह से रहा तो कोई बीजेपी को वोट नहीं देना। अगर कब्रिस्तान भी हम अपना नहीं बचा पाने के, मैं हिंदू तत्व से हूँ पर मैं फिर भी इनकी आवाज उठा रहा हूँ। कारण यही है, सरकार का ये काम है हिंदू मुस्लिम को बिठाना, वो हम होने नहीं देंगे। कब्जा मुक्त करवा के रहेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, या हमें अनशन में बैठना पड़े, कुछ भी हमें करना पड़े, हम जब तक सांस है जब तक इस मुद्दे पर लड़ेंगे। अब तो मुझे लगा शायद पहले भी आए थे इसी मुद्दे में। इसी मुद्दे में मुझे 6 महीने हो गए जी आते हुए। डीएम साहब बैठे हैं, डिप्टी गया, डिप्टी अपना मौज मस्ती कर रहा, अपना गोलगप्पे खा रहा बैठ कर चौराहे पे। सरकार क्या कहती है? सरकार पे अब जो फैक्स रखे वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब 4 तारीख में, 3 तारीख में हम लखनऊ कुछ करेंगे, 4 तारीख में हमारी मामा पंचायत है, वहां अपना मुद्दा रखेंगे। ये मेरे पीछे सादपुर के लोग खड़े हैं और इनका कहना है कि हमारी जो कब्रिस्तान की भूमि है उन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जिसमें अन्य धर्म के लोगों ने कब्जा किया है। मैं योगी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह के धार्मिक उन्माद ना फैलाएं। लोकसभा के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, इनके चुनाव में आपको बहुत ही हानि नुकसान हो सकता है। और ये जो लोग हैं यहाँ पर परेशान है, अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ खड़े हैं, इस तरह के काम भी होने नहीं चाहिए, इनके इनके मौके पर ही जाकर निशाना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सिंह जी, 24।